नवनाथ धामनी पावन भूमि पर विराजमान ब्रह्मलीन परम पूज्य सद्गुरु श्री शनि दादाना चरणों में मारा साष्टांग दंडवत प्रणाम अने आपड़ा सौना लाड़ीला एवा विश्व वंदनीय परम पूज्य श्री छोटे दादाना चरणों में मारा कोटि कोटि नमन ने अत्रे उपस्थित सर्व नाथपंथी भाई बहनों ने मारा जय अवधूत। श्रद्धामय पुरुषार्थनो लवाजम जे पण नाथपंथी भाईओनो बाकी होय तेवो सत्वरे जमा करावी दे। आ अठवाडियामां ज नवनाथ धामथी श्रद्धामय पुरुषार्थ हूँ कहूँ एम के श्रद्धामय पुरुषार्थ रथ श्रद्धामय पुरुषार्थनो बेनर लगावीने तापी जिल्लामां जे लोको पेपर वेची रह्या छे एवा वॉलंटियर मित्रों जोड़े घरे घरीने घरे घरे फरीने पेपर वेचवामां आव्या हता। अहींथी श्रद्धामय पुरुषार्थनी एक टीम गाड़ी लईने गई हती अने एमणे घरे घरे पेपर वेचा हता। आवनारा दिवसोना पण अलग अलग ज्यां ज्यां वॉलंटियरो पेपर वेची रह्या छे त्यां आ रीतना पेपर पहोंचाड़वामां आवशे। तो आ वस्तु सौ वॉलंटियर मित्रों ध्यानमां लई અને જેમના પણ લવાજમ બાકી હોય તેઓ સત્વરે જમા કરાવી દે। બીજી ખૂબ જ અગત્યની સૂચના, ખૂબ જ અગત્યની બાબત, આપ સૌ નવનાથ ધામમાં આર્થિક યોગદાન નોંધાવો છો તો આરબીઆઈની ગાઈડલાઈન મુજબ હવે જ્યારે પણ આપ સૌ આર્થિક દાન નોંધાવો તો પાન કાર્ડની કોપી અવશ્ય લાવી, પાન કાર્ડ જેમની પાસે હોય તેઓ ફરજિયાત પાન કાર્ડની કોપી લઈને આવે, એક ઝેરોક્સ કોપી જોડે લઈ આવી। જો આપની પાસે પાન કાર્ડ ના હોય તો આધાર કાર્ડની કોપી પણ ચાલશે, પણ જેમની પણ પાસે પાન કાર્ડ છે તે એમના આર્થિક યોગદાન જોડે પાન કાર્ડ અવશ્ય લાવે। હવે બીજું અગત્યની વાત કે જેમણે 2021માં આશ્રમના કોઈ પણ ટ્રસ્ટમાં આર્થિક દાન નોંધાવ્યું છે તેમણે પણ આ વસ્તુ જમા કરાવવાની છે, તો આપ સૌ જલ્દીથી એ કોપી જમા કરાવી દો અને જ્યારે આવો ત્યારે ખાસ પોતાની રસીદ જોડે લઈને આવી જેથી અહીં આપનું કામ ફટાફટ પતી જાય। તો આ એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી। શિવરાત્રિનો તહેવાર આવી રહ્યો છે, 1 માર્ચ 2022। શિવરાત્રિનો તહેવાર આપણે કઈ રીતે ઉજવીશું એ સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન આવે એ મુજબ અહીંથી સૂચના આપવામાં આવશે, તો એ સૌ આપ પ્રવચન સાંભળતા રહો તો એમાં આપણને માહિતી મળી જશે। આજનો ભંડારો એમિસભાઈ પ્રવીણભાઈ પટેલ પૂણા સુરત તરફથી છે, તો પૂજ્ય ગુરુદેવને એ જ પ્રાર્થના કે એમના પર ગુરુદેવની કૃપા સદા વરસતી રહે। નવનાથ ધામના અન્નક્ષેત્રમાં યોગદાન આવ્યું છે, કુમુદબેન ગામિત ગાળકુવા 40 કિલો ચોખા, કુસુમબેન ગામિત વ્યારા 1500 નંગ પુરેટિયા, અમિતભાઈ પટેલ કુંભારિયા 10 કિલો વટાણા, 10 કિલો કોબી, 5 કિલો ગાજર, કપિલાબેન ચૌધરી ઉમર કચ્છ 25 કિલો ચોખા, મીરાબેન પટેલ સામરપાડા 26 કિલો ચોખા, 5 કિલો ગોળ। તો સૌ દાતાઓનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। હવે કહેવાય છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નહીં રહ્યા, એ વાત આપણને આરોગ્ય પ્રદાન કરનારા મા મહાલક્ષ્મીની કૃપા અને એમનું મહત્ત્વ આજે પૂજ્યશ્રીએ વિચારગંગામાં આપણને બતાવ્યું છે અને એ જ માની કૃપા અને માનું મહત્ત્વ આપણાને સરળ ભાષામાં જ્ઞાન કરાવે, તો પરમ પૂજ્યશ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આજની વિચારગંગા પ્રવાહિત કરે। જય અવધૂત। Oh.
आरोग्य लक्ष्मी नमस्तेषु सर्वरोग निवारिणी आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहिनां भाग्यलक्ष्मी नमस्तेषु सौमंगल्यविवर्धनी सौभाग्यदेहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहिनां अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरु देव की जय नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन हम सबके जीवन में आरोग्य लक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली हम सबके जीवन में हमें भाग्य और सौभाग्य प्रदान करने वाली जिनकी कृपा से हम यशस्वी बनते हैं, हम कीर्तिमान बनते हैं, ऐसे हमें कीर्ति प्रदान करने वाली मां जगदम्बा श्री महालक्ष्मी देवी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। जिनकी कृपा हमारे जीवन में मां लक्ष्मी के रूप में साक्षात रही है, जिनके ज्ञान से हमें हमारे जीवन में मां सरस्वती की अनुभूति होती है और जो सदा हमें भक्ति मार्ग में जोड़ने के लिए शिवप्रिया मां पार्वती के स्वरूप में हम सबके ऊपर सानिध्य बरसाए हुए हैं, ऐसे मां भगवती स्वरूप हमारे गुरु माउली श्री सानिनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जयदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हमारे मनुष्य जीवन को जो समृद्ध बनाती है, सभी कार्यों में जो हमें यश देती है और हमारे मन की जितनी भी भावनाएं हैं वो जो साकार करती है, उसे हम जगदम्बा की शक्ति, परात्पर शक्ति या विश्व शक्ति कहते हैं। विश्व शक्ति का कार्य हमें शक्तिमान बनाना है और हमें शक्तिमान बनाते हुए यह जीव को उसके निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाना है, क्योंकि यह जीव जो जन्मा है वो किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही जन्मा है। यह जीव अपने जीवन में जो भी कुछ संघर्ष करता है वो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही संघर्ष करता है, और इसीलिए यह जीव को जो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करवा दे उसे कहते हैं लक्ष्मी। आज तक हमने लक्ष्मी के विविध अर्थ सुने कि जो हमें समृद्धि देती है, जो कीर्ति देती है, जो यश देती है, धन देती है, वो लक्ष्मी है।
और वही लक्ष्मी का दृश्य स्वरूप हमने हमारे घर में पैसों के रूप में, धन संपत्ति के रूप में हमने देखा है। लेकिन जहां लक्ष्मी शब्द की व्याख्या करने के लिए जाए, वहां लक्ष्मी का अर्थ होता है, लक्ष्मी यानी लक्ष्य, जो हमें हमारे शाश्वत लक्ष्य की ओर ले जाए वो लक्ष्मी है, और जो हमें हमारे नाशवंत लक्ष्य की ओर ले जाए वो अलक्ष्मी है। तो लक्ष्मी शब्द में ही एक तत्वार्थ आ जाता है कि लक्ष्मी का अर्थ होता है हमें लक्ष्य की ओर ले जाए वो शक्ति, जिसे कहा जाता है लक्ष्मी। और इसलिए आप देखिए कि हम हमारे वेदों के श्लोक जब बोलते हैं तो वेदों के श्लोक में तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा, तो हम अंधेरे में है, हमारा लक्ष्य है प्रकाश, लेकिन अंधेरे से प्रकाश की ओर कौन ले जा सकता है। हमें जाना है, अगर हम स्वयं चले जा सकते हैं तो हमारे वेदों ने ऐसी वंदना क्यों की कि मुझे तमस से ज्योति ज्योति की ओर ले जा। मुझे मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जा, मृत्यु मा मोक्ष गमय, कि मुझे मृत्यु की ओर से मोक्ष की ओर ले जा, हमें जाना है। अगर ऐसे ही हम जा सकते थे तो हमारे ऋषि मुनियों ने यह वंदना क्यों की, असत्य मा सदगमय, कि मैं असत्य में हूं, नाशवंत में मैं हूं, मुझे शाश्वत की ओर ले जा। हमें जाना ही है और हम जा सकते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी वंदना क्यों की। और हमारे वेदों ने जो वंदना की है वो किसी निश्चित मूर्ति की वंदना नहीं की, किसी निश्चित देवता के लिए उन्होंने स्तुति नहीं गाई। हमारे वेदों ने जो वंदना की है वो निर्गुण निराकार के लिए की, और स्वयं उन्होंने कहा है कि ये मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझे जाना है, मुझे तू ले जा, और सबसे पहले तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं अंधकार में हूं, मुझे प्रकाश की ओर ले जा। बाद में मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं असत्य की ओर जा रहा हूं, मुझे सत्य की ओर ले जा। अगर मैं असत्य को छोड़ के सत्य की ओर नहीं जाऊंगा, अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान को आत्मसात नहीं करूंगा, तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। यानी अब मैं अनुभव कर रहा हूं मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की ओर ले जा। तो यहां ही हमें समझना है लक्ष्मी शब्द का एक तत्वार्थ कि हमें जाना है लेकिन हम नहीं जा सकते, तो कौन ले जा सकता है। निर्गुण निराकार परमात्मा ले जा सकता है। तो निर्गुण निराकार परमात्मा तो सर्वव्यापक बसा है, तो जो सर्वव्यापक है वो कैसे ले जाएगा। तो जो सर्वव्यापक है वो हमारे अंदर में मापक बन के बैठा हुआ है, वो ले जाएगा। तो जो सर्वव्यापक है हमारे अंदर में बैठा हुआ है, वो जो ले जाएगा वो किस माध्यम से ले जाएगा। हमारे अंदर की चेतना के माध्यम से ले जाएगा, बुद्धि से, ज्ञान से,
चिंतन से हमारे अंदर के आत्मा बल से वो हमें हमारी अंदर की शक्तियों के माध्यम से वो उधर ले जाएगा। और जो अंदर की शक्ति के जो माध्यम है और जो अंदर की शक्तियां हैं उसे ही कहते हैं लक्ष्मी। यानी मैंने पहले ही कहा था कि लक्ष्मी वो नहीं है जो हमें बाहर से मिले, लक्ष्मी वो है जो हमें अंदर से ही प्राप्त हो। लक्ष्मी वो नहीं है जो हमें मेहनत से मिले, लक्ष्मी वो है जो हमें पुरुषार्थ से प्राप्त हो। लक्ष्मी वो नहीं है जिसे खरीदने से कोई वस्तु हमारे पास आ जाए, लक्ष्मी वो है जो परमेश्वर की कृपा से और गुरु की कृपा से हमारे जीवन में हमें आत्मसात हो। और इसीलिए हमें अगर मृत्यु से मोक्ष तक जाना है, अगर हमें शिव से जीव को मिलना है तो आवश्यकता है कि वह लक्ष्मी हमें आरोग्य के साथ वहां तक ले जाए। हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर जाना है तो मृत्यु से मोक्ष की ओर जाने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम मिला है, ये शरीर। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है तो यही अंधकार में से प्रकाश की ओर जाने के लिए हमें माध्यम मिला है, ये शरीर। हमें धर्म की प्राप्ति करनी है, अर्थ की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमारी इच्छाओं की, सर्व कामश्च देही नाम, कि हमें हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो उसके लिए माध्यम मिला है ये शरीर। तो आप देखिए, हरेक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हरेक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अनुभूति के लिए हमें शरीर मिला है। और जहां शरीर मिला है तो बिना शरीर हम वहां तक कैसे पहुंचे। इसलिए कहा गया है कि शरीर क्या है, तो शरीर साधन है, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला एक साधन है शरीर। हमारे जीवन में जो प्रारब्ध घट चुके हैं वो प्रारब्ध को भोगने वाला जो भोगायतन है, जो साधन है, वह है शरीर। हमारे जीवन में हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो इच्छाओं की संतुष्टि का अनुभव करने वाला जो साधन है वह है शरीर। तो आप देखिए, जीव और शिव के बीच में एक कड़ी है जिसे कहा जाता है शरीर। बिना शरीर के हम कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए यह शरीर की वंदना होती है। भगवान भी जब अवतरण करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं महाकार्य करने के लिए तो उन्हें भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, उसमें से कई अवतार ऐसे थे जो अवतारों में भगवान ने पशु का शरीर लिया, और बाकी के जो अवतार ऐसे थे जिसमें भगवान ने मानव का शरीर लिया। पशु का शरीर हो या मानव का शरीर, लेकिन परमात्मा को ऊपर से नीचे आने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए यह शरीर की वंदना की गई है। और तुलसीदास जी ने कहा है, नर तन सम कवनीहु देही, जीव चराचर याचत तेही, कि ये मनुष्य के शरीर के जैसा कोई शरीर ही नहीं है। और इसीलिए प्रत्येक जीव,
उसकी ही याचना करता है, उसकी ही वंदना करता है। स्वर्ग नरक उपसर्ग की निशानी कि यही शरीर स्वर्ग की प्राप्ति करवा सकता है, यही शरीर नरक की ओर हमें ले जा सकता है, यही शरीर हमें मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है, उसकी सीढ़ी है, निशानी है। ज्ञान भक्ति, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, और यही शरीर ज्ञान भक्ति और वैराग्य को उपलब्ध करवा सकता है। तो आप देखिए कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह शरीर को, शरीर की महिमा गाई है कि अगर शरीर ही नहीं है तो हम क्या है, हम कुछ नहीं। अगर स्वर्ग में जाना है तो भी शरीर चाहिए, अगर नरक में जाना है तो भी शरीर चाहिए, और मोक्ष जब जाना है तो भी शरीर चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम, स्वर्ग की प्राप्ति का माध्यम, नरक की प्राप्ति का माध्यम शरीर ही है। अगर हम शरीर की अवहेलना करेंगे तो हमारे जीवन में केवल और केवल हमें नरक प्राप्त होगा। यानी शरीर एक ऐसा साधन है जो हमें इस पार से उस पार ले जा सकता है, हाँ बाद में वो साथ में नहीं आता, लेकिन जैसे हमें नदी तैरनी हो, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाना हो तो हमें नाव की आवश्यकता पड़ती है। हम नाव में बैठ जाएं और बैठने के बाद नाव उस पार चली जाए तो उस पार जाने के बाद नाव छूट जाती है, हम हमारे किनारे पे, हमारे रास्ते पे हम चले जाते हैं। ठीक उसी तरह मृत्यु से मोक्ष की ओर जाने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए, नाश्वन से शाश्वत की ओर जाने के लिए ये शरीर की आवश्यकता है। जब तक शरीर हमारे साथ में नहीं है तब तक आध्यात्मिक लक्ष्य तो क्या, हम भौतिक लक्ष्य भी पार नहीं कर सकते। और इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि हमें कहीं जाने की बहुत इच्छा थी, किसी की शादी में जाने की हमें बहुत इच्छा थी, हमने सब तैयारी की थी, नए कपड़े भी सिला लिए थे, सब कुछ रेडी करके रखा था, लेकिन सही समय के ऊपर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मेरे मन की इच्छा थी लेकिन मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, मेरा शरीर बिगड़ गया, तो जो मैं जाना चाहता था वो मैं नहीं जा पाया। अब देखिए हमारे भौतिक जीवन में भी अगर हमें कहीं जाना है, हमें नौकरी पे भी जाना है, आज हमें बोनस मिलने वाला है, हम अंदर से खुश होते हुए वहां जाएंगे, लेकिन अगर हमारा शरीर बिगड़ गया तो, मन बराबर हो फिर भी शरीर बिगड़ गया तो हम वहां तक नहीं जा पाते, किसी की शादी में नहीं जा पाते, किसी के अच्छे बुरे प्रसंग में हम नहीं जा पाते। शरीर जब बिगड़ जाता है, शरीर का साथ नहीं होता, तो हम हमारे भौतिक जीवन में भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते, भले हमारे मन की इच्छा हो लेकिन मन को सहयोग चाहिए शरीर का। अगर शरीर ही साथ में न हो तो हम वहां भी नहीं जा सकते, भौतिक कार्य भी नहीं कर सकते, आध्यात्मिक भी नहीं कर सकते, सामाजिक भी नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि शरीर का कितना महत्व है, और इसीलिए किसी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त जब निकाले जाते हैं तो मुहूर्त क्यों निकाले जाते हैं, हमने अक्सर ऐसे ही सोचा है, मुहूर्त किसी भी कार्य में इसीलिए निकाले जाते हैं कि कार्य शुभ रूप से पार पड़ जाए या कार्य जो हम करते हैं वो सफल हो जाए, हमने यही सोचा है। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि मुहूर्त इसीलिए निकलता है कि सबसे पहले जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें हमारा स्वास्थ्य न बिगड़े, क्योंकि कार्य की सफलता हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है।
तो सबसे पहले मुहूर्त इसीलिए निकलता है कि हमारा स्वास्थ्य न बिगड़े, हमारे स्वास्थ्य को कोई हानि न हो, हमारे स्वास्थ्य के साथ कोई अकस्मात न हो। अगर यह सब कुछ न हो तो स्वाभाविक है कि आप जो भी कार्य करेंगे वो आपका आपके कार्य सफल हो जाएंगे। तो मुहूर्त निकालने की प्रथा ही इसीलिए आई है कि सबसे पहले स्वास्थ्य न बिगड़े, बाद में जो हम काम करें वो काम के जितने भी साधन है, जितने भी उपकरण है वो न बिगड़े। उपकरण अगर सही है तो कार्य सही समय पे हो जाए, और कार्य का समय अगर सही है तो निश्चित रूप से आगे जाके कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। लेकिन कार्य की सफलता की शुरुआत हमारे शरीर से ही होती है, इसलिए आज के विचार गंगा में यह स्तुति में यह श्लोक में आया है कि आरोग्य लक्ष्मी नमस्ते सु, कि हे लक्ष्मी, हे महालक्ष्मी, मेरे जीवन का आरोग्य आप हो। सर्व रोग निवारिणी, आपकी कृपा से ही सर्व रोग में से मैं मुक्त हो सकता हूं। आयुर्देही श्रियम देही सर्व कामश्च देहिना, कि मुझे आयुष्य दीजिए, मुझे यश दीजिए। अगर आयुष्य और यश मुझे मिला बाद में सर्व कामश्च देही नाम, मेरे सभी कार्य सफल हो जाए। यानी कार्य की सफलता तो बहुत बाद में लिखी गई है, मेरी मन की इच्छा पूरी हो ये तो बाद की बात है। हम उल्टा करते हैं, सबसे पहले मेरे मन की इच्छा। आपके मन की इच्छा पहले पूरी होने से पहले जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, बाद में जो होगा वो मन की इच्छा पूरी ही हो जाएगी। यानी यह श्लोक में आरोग्य को लक्ष्मी कहा गया है, आगे कई श्लोक आए उसमें कीर्ति को लक्ष्मी कहा गया, उसमें भाग्य को लक्ष्मी कहा गया, उसमें बल को लक्ष्मी कहा गया, विविध मैंने अर्थ उसके किए। लेकिन आज का जो एक अर्थ है ये सबसे पहले हमें जरूरी है हमारे इहलोक और परलोक को साधने के लिए। और सबसे आज के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा आरोग्य, कि आरोग्य लक्ष्मी के रूप में तू निवास कर। अब देखिए, अब कि आरोग्य पैसे खरीद के नहीं आता। हम पैसे खरीदेंगे और पैसे खरीद के हम कहेंगे कि मुझे आरोग्य मिल जाए, हो सकता है? पैसे खरीद के आप दवा ला सकते हो, पैसे खरीद के आप वस्तु को ला सकते हो, पैसा खरीद के आप साधनों को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आरोग्य ला सकते हो? अगर आरोग्य हमारे हाथ में होता, हमारी इच्छा से होता, तो हमें दवा की जरूरत क्या थी? यानी दवा लेना जरूरी है, लेकिन दवा लेने के बाद रोग ठीक हो जाए ये अपने हाथ में नहीं है। दवा लेना जरूरी है, उपचार करना जरूरी है, उसके लिए जो चाहे वो व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन व्यायाम करने के बाद, उपचार करने के बाद, दवा लेने के बाद हमें आरोग्य मिले, ये आरोग्य हमारे हाथ में नहीं। अगर आरोग्य हमारे हाथ में होता तो हम इतने एंटीबायोटिक क्यों खाते? आरोग्य हमारे हाथ में होता तो हम जिम में क्यों जाते? इतनी इतनी महंगी दवा क्यों पीते? इसलिए यहां कहा गया है लक्ष्मी का एक अर्थ ही आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी का अर्थ है जिसे आप खरीद नहीं सकते वो लक्ष्मी है, अपनी इच्छा से जिसे पा नहीं सकते वो लक्ष्मी है। तो हम सब कहते हैं कि मैंने कसरत की, मैं जिम में गया, मैंने व्यायाम किया, मैंने आरोग्य पाया। हमारे पाने से नहीं आता, ये आता है उसकी कृपा से।
इसलिए यहां कहा गया आरोग्य लक्ष्मी नमस्ते सु, कि मैं तो सब करता हूं, मेरे शरीर की देखरेख मैं करता हूं, लेकिन मेरे शरीर की देखरेख जो मैं करता हूं उसमें आरोग्य तू देना, यानी आरोग्य देना यह मां भगवती के हाथ में है, परात्पर शक्ति के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। वैद्य हो, डॉक्टर हो, वो रोग का निदान कर सकता है, रोग के निदान करने की शक्ति है उसकी लक्ष्मी है जो उसके अंदर से स्फुरित हुई है, वो निदान कर सकता है, वो आपको दवा दे सकता है, आप दवा ले सकते हो, लेकिन दवा लेने के बाद आप ठीक हो जाएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। और इसीलिए कभी कभी जब केस जब वेंटिलेटर पे जब चला जाता है, डॉक्टर उसके प्रयास करते हैं, हम भी उसमें पैसे खर्चते हैं, लेकिन जब केस वेंटिलेटर पे ऊपर चला जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि हमने सब प्रयास किए, अब 1% है वो भगवान के ऊपर, यानी 1% जो है यही लक्ष्मी है, जो 1% जो छोड़ा जाता है यही कृपा है, हमने किया अब भगवान जाने। डॉक्टरों को भी मानना पड़ता है, अगर डॉक्टर ठीक करते और हो ही जाता तो डॉक्टर भगवान होते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आरोग्य लक्ष्मी यानी आरोग्य का अर्थ होता है, और आरोग्य का जो अर्थ होता है वो दो रूप से होता है, आरोग्य, आरोग्य का अर्थ होता है आयुष्य, और आरोग्य का दूसरा अर्थ होता है तंदुरुस्ती, जहां तंदुरुस्त रहे और जहां आयुष्य मिले उसे कहा जाता है आरोग्य। अब आप देखिए कि यहां दो शब्दों का मिलन है, एक दुरुस्ती और दूसरा आयुष्य। हमारे शरीर को आयुष्य चाहिए, इसलिए आप ये देखिए कि भगवान ने जो ये मनुष्य का शरीर दिया है, या भगवान ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं उन सबको शरीर दिए है, हाथी को हाथी जैसा दिया है, चींटी को चींटी सा शरीर दिया है, शरीर भगवान ने सबको दिए, तो शरीर जो है सबको दिए है उसका अर्थ ये हो गया कि ये साधन सबको मिला है, लेकिन साधन जब हमारे साथ आ गया तो साधन के साथ उसका आयुष्य भी साथ में आया है। इसलिए आप देख सकते हैं कई जंतु ऐसे होते हैं कि जो जन्मने के बाद तुरंत मर जाते हैं, जिस बैक्टीरिया को हमने कभी देखा भी नहीं वो जन्मने के साथ तुरंत मरते हैं। कई पशु प्राणी ऐसे होते हैं कि जिसके आयुष्य किसी का 20 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 30 साल होता है। अब देखिए कि जो गाय होती है, गाय का आयुष्य 20 साल 25 साल के आसपास हो जाता है, जो श्वान होते हैं वो श्वान का आयुष्य 15 साल के अंदर समाप्त हो जाता है, जो बकरी होती है या बाकी जो पशु है वो 10 साल में चले जाते हैं, सांप होता है वो कई वर्षों तक जिंदा रहता है, पेड़ पौधे होते हैं वो 100-100 साल तक जीते, कई फूलों के पौधे ऐसे होते हैं जिसका आयुष्य 3-4 साल में खत्म हो जाता है, कई फसल ऐसी होती है गेहूं जैसी जो 4 महीने में उगती है बाद में समाप्त होती है। तो आप देखिए जीव जंतु तंतु शरीर तो सबको मिला है, लेकिन जहां शरीर मिला है वहां शरीर के साथ साथ उसे आयु भी मिल गई है, निश्चित आयु। वैसे ही हमारे मनुष्य शरीर के साथ साथ हमें आयु मिली, ये आयु हमने खरीदी नहीं, कोई ऐसा मॉल है, कोई ऐसा बाजार है, कोई ऐसी दुकान है जहां आयुष्य मिलता हो, पैसे लेके जाइए, करोड़ रुपया लेके जाइए, आपको 1000 साल का आयुष्य मिल जाएगा। है कोई आयुष्य खरीदने की कोई दुकान जहां आप आयुष्य खरीद सको? आयुष्य हम खरीद नहीं सकते, आयुष्य हमें मां भगवती ने दिया है,
और मनुष्य को आयुष्य दिया गया है 100 साल, कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 साल से भी अगर ज्यादा जिए तो भी ठीक तरह से नहीं जी पाएंगे। जीने की इच्छा सबकी होती है, मैं 100 साल जीऊं, लेकिन 100 साल जीने के बाद आपके शरीर, आपका शरीर काम ही नहीं करेगा, तो ऐसे आयुष्य का फायदा क्या है? तो ज्यादा से ज्यादा हमें मिला है 100 साल, 100 साल के अंदर ही समाप्त होना है। ये हम खरीद के नहीं लाए, हमें दिया गया है, तो उसे कहते हैं आयुष्य। तो आरोग्य का एक अर्थ होता है जहां शरीर मिला वहां जन्मने से पहले ही हमारी एक्सपायरी डेट लिखी जा चुकी है। जो दवा बाजार में बनती है, दुकान में, फैक्ट्री में जो दवा बनती है, वो दवा जब दुकान में आती है तो उसके पहले ही उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। वैसे हम जब अपनी मां के कोख से जन्मे तो जन्मने से पहले ही हमारी एक्सपायरी डेट लिखी जा चुकी है। तो आयुष्य हमें मिल गया है, या समझिए उम्र हमें मिल चुकी है, लेकिन यही उम्र को अगर आयुष्य में बदलना हो, तो आयुष्य का अर्थ है कि यही उम्र को अगर आयुष्य में बदलना हो तो उसके साथ आरोग्य चाहिए। यानी अगर हमारी उम्र 50 साल है ही, तो 50 साल हम ऐसे जिए कि जहां हमें कभी रोग ना आए, तंदुरुस्ती रहे, ना दुरुस्ती ना हो, हमारा तंदुरुस्त रहे। उम्र मिल जाती है, लेकिन उम्र को अगर आयुष्य में बदलना है तो हम बदल सकते हैं। 50 साल की उम्र मिल चुकी, लेकिन 50 साल अगर निरोगी रहना है तो हमारे पुरुषार्थ से हम रह सकते हैं। 100 साल की उम्र मिल चुकी, लेकिन 100 साल अगर निरोगी रहना है तो हमारे पुरुषार्थ से हम रह सकते हैं। तंदुरुस्ती, हमारी तंदुरुस्ती को अगर ठीक रखना है तो वो हम कर सकते हैं। यानी उम्र को आयुष्य में अगर बदलना है तो वो हमारे हाथ में है। जो शरीर दिया है वह शरीर को योग्य रूप से इतने वर्षों तक निरोगी रखना है तो वो हमारे हाथ में है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आरोग्य शब्द का अर्थ दो शब्दों से जुड़ा है, आयु और तंदुरुस्ती, रोग्य, जहां रोग न हो ऐसा जीवन, जिसे कहा जाता है आरोग्य। तो भगवान ने ये शरीर दिया है, उसके साथ उम्र दे दी है। अब हम सोचेंगे कि भगवान ने उम्र तो दे दी, हमें तो पता नहीं कि हम आज मरेंगे या कल। तो मैं ऐसे पूछता हूं कि अगर आपको उम्र का पता होता तो क्या फर्क पड़ जाता था, ये मुझे बताइए। हमारी उम्र 50 साल लिखी है, क्या फर्क क्या पड़ जाता था? तो हम कहेंगे कि फर्क इतना पड़ता कि मेरे सब काम में निपटा लेता। कोई काम हम निपटा सकते हैं? क्या निपटा सकते? तो समय आने पे मेरे लड़की लड़के उनकी शादी में समय पे करवा देता। अगर शादी आपके समय पे ही होती तो शादी के लिए ये कुंडली क्यों देखी जाती है? शादी के लिए ग्रह क्यों देखे जाते? शादी के लिए विविध उपचार क्यों किए जाते? अगर उम्र मुझे पता होती मैं सब जल्दी कर देता, कैसे हो सकता है? हमारे चाहने से क्या हो सकता है? यानी उम्र मुझे पता हो और मैं सब कुछ कर देता, अगर ये है तो इतने साल तक बैठे क्यों रहे? उम्र की राह क्यों देखते रहे? यानी ये सब बोलने की बातें हैं कि मुझे पता होता तो मैं कर देता, ये होता तो ये कर देता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो हम हमारा प्रारब्ध बनाए आए हैं वैसे ही हमारी मति चलने वाली है। अगर पूर्व समय में हमने पाप कर्म किए हैं तो हमारी मति ऐसे ही चलेगी, अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं हमारी मति ऐसे ही चलेगी। तो शरीर दिया है, शरीर के साथ एक उम्र दे दी है, उम्र को आयुष्य में पलट देना ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। जैसे भाग्य को सौभाग्य में, दुर्भाग्य में पलटना यह हमारी विवेक बुद्धि और ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, वैसे उम्र को आयुष्य में पलट देना ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर
निर्भर करता है। और भगवान ने जो हमें शरीर दिया है उसके साथ जो समय दिया है, ये समय और शरीर इसीलिए दिया है कि इसी शरीर में रहते हुए इहलोक और परलोक हम सुधारें। ये शरीर के साथ ये जीवन भी सुधरेगा और यही शरीर के साथ परलोक भी सुधर जाए, यानी इसी शरीर से हमें सब कुछ करना है, अच्छे कार्य भी इसी शरीर के साथ करने हैं, तपश्चर्या भी इसी शरीर के साथ करनी है, अध्ययन भी इसी शरीर के साथ करना है, हमारे समाज के जितने भी कर्तव्य है हमारे संबंधियों के, ये भी इसी शरीर से कर लेना है। न कर्म लिप्यते नरे हो, उस भावना से कि ऐसे करते हुए करो कि परलोक सुधर जाए। यह शरीर से कर्म इस हिसाब से करिए कि जहां माया का बंधन न लगे, एक करने में आप दूसरे में न फंस जाओ। न कर्म लिप्यते नरे हो कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कि कर्म ऐसे करने हैं, जी विषय सततम सम, कि 100 साल जीना है लेकिन कर्म ऐसे करते हुए जीना है कि कर्म का बंधन न लगे। अगर कर्म का बंधन न लगे, ऐसे अगर हमने कर्म किए तो समझ लीजिए ये लोक तो सुधर गया, परलोक भी सुधर जाएगा। लेकिन यह लोक और परलोक सुधारने के लिए शरीर के साथ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने यह शरीर को 3 व्याख्याओं में बांधा है। पहला, देह देवालयो देवी, कि यह देव यह देह मंदिर है, देवालय का अर्थ है मंदिर, यह शरीर मंदिर है, यह पहली व्याख्या। शरीर मंदिर कब है, कि जब यह शरीर से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करे, मृत्योमा मोक्ष गमय, कि यही शरीर में रहते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, सात्विक प्रयास करें, उसे कहा जाता है यह शरीर मंदिर है। किसका मंदिर है? यह शरीर आत्मा का मंदिर है। यानी शरीर की कल्पना मंदिर से तब जुड़ी जा सकती है जब हम मोक्ष के लिए प्रयास करें, और मोक्ष के लिए प्रयास का अर्थ होता है हमारे आत्मा का उत्थान करें। हम जप तप व्रत अध्ययन जितने भी मंत्र है उनका अध्ययन करें, यम नियम आसन प्राणायाम ये सब कुछ करें, हमारे शरीर को पवित्र से भी ज्यादा शुद्ध करें, और शुद्ध पवित्र करते हुए शुद्ध विचारों के साथ हमारे आत्मा का कल्याण करें और दूसरों के कल्याण के लिए हम कार्य करें, तो ऐसा शरीर मंदिर बनेगा। यानी सबसे पहले शरीर की व्याख्या है देह देवालयो देवी, कि पहला देह मंदिर है, यह मंदिर में आत्मा है, यह आत्मा जो है यह मूर्ति है, और आत्मा में जो तत्व छिपा है, जो देवत छिपा है, यह परमात्मा है। हम कहते हैं ना कि हम मंदिर में जाए तो मंदिर है, मंदिर यानी शरीर। मंदिर में क्यों जाए? मूर्ति, वहां मूर्ति रखी है, यह मूर्ति का मतलब आत्मा। वो मूर्ति के दर्शन क्यों करे? किसकी मूर्ति है? राम की मूर्ति है, स्थूल, लेकिन किसकी है? राम की। तो मूर्ति में राम है तो वो राम है परमात्मा। यह मूर्ति में कृष्ण है तो वो कृष्ण कृष्ण है परमात्मा। वैसे ये आत्मा में परमात्मा है तो अर्थ क्या हो गया? कि यही शरीर आत्मा का मंदिर है। तो जहां शरीर आत्मा का मंदिर बन जाता है वहां मृत्योमा मोक्ष गमय, आपकी प्रत्येक क्रिया मृत्यु से आपको दूर मोक्ष तक ले जाएगी, सांसारिक यातनाओं से दूर आपको मोक्ष तक ले जाएगी। हमारे जितने भी कर्म है ये सभी कर्म यज्ञ जैसे कर्म बन जाए। यानी जिसने अपने शरीर को मंदिर बना लिया है वो हमेशा दूसरे के आत्मा के कल्याण के विषय में सोचता है,
और जहां दूसरे के आत्मा के विषय के कल्याण में जहां सोचा जाए वो शरीर मंदिर है। और इसलिए मैंने यहां एक शब्द लिखा है, और वो शब्द मैंने यहां लिखा है हितायु। हम हितायु बन जाते हैं। हितायु का अर्थ दूसरों के हित की कामना करने वाला शरीर। हम जाए और ट्रेन में जाके जगह रोक के बैठ जाए, नहीं मेरे अलावा कोई नहीं बैठेगा, लेकिन जहां जाए और बैठे और कोई आए तो थोड़ी जगह करके उसको बिठा दे, ये हितायु। कि जहां आपका सोचते हो उसके पहले किसी और का भी सोचते हो। जहां आपके पास एक रोटी है, कोई भूखा आ जाए और उसमें से उसको आधी दे दी जाए, तो ये हितायु, ये शरीर मंदिर है, ये शरीर मंदिर समान बन गया है, दूसरों के आत्मा का कल्याण के विचार का बन गया है। संस्कृति, प्रकृति और विकृति। संस्कृति, कोई आए उसमें से एक में से आधी करके देना, ये संस्कृति। हितायु जो होता है वही संस्कृति को समझ सकता है, उसमें ही संस्कार होते हैं, मंदिर में ही संस्कार होते हैं, वही दूसरों का समझ सकता है। प्रकृति, कि जिन भूख लगी तो रोटी खा ली तो प्रकृति, और विकृति, भूख लगी फिर भी एक नहीं चार खा ली तो विकृति। तो संस्कृति कहां है, संस्कार कहां है, दूसरों को समझने की भावना कहां है? जो शरीर मंदिर बन गया है वह शरीर हितायु शरीर, उसे कहा जाता है हितायु शरीर। मच्छिंद्रनाथ जब जाते हैं और वहां के राजा मौत, उसकी मृत्यु हो जाती है राजा की, और मच्छिंद्रनाथ देखते हैं कि राजा तो ब्रह्मलीन हो चुका है, वो आना शक्य नहीं है। तो मच्छिंद्रनाथ सोचते हैं मैं क्या करूं, तो ये मेरे शरीर को मैं यहां छोड़ते हुए मेरे आत्मा से मैं उसके शरीर में चला जाऊं, और मच्छिंद्रनाथ पर काया प्रवेश कर जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? देह देवालयो देवी। मच्छिंद्रनाथ का शरीर मंदिर समान था, और इसीलिए प्रजा के लिए राजा को खड़ा करना ये एक हितायु विचार, दूसरों के हित का विचार योगीराज ने किया, और योगीराज अपना शरीर छोड़ते हुए परकाया प्रवेश कर गए। या पूरे विश्व में सिर्फ दो ही विभूति ऐसी थी जो परकाया प्रवेश कर पाई, एक महामुनि मच्छिंद्रनाथ और दूसरे श्रीमद् शंकराचार्य। ये दो विभूति ऐसी थी जिन्होंने परकाया प्रवेश अपने शरीर से दिखाया। अब सोचिए, अपना शरीर छोड़ते हुए अपने आत्मा को दूसरों का शरीर, दूसरे घर में चला जाना। आपके घर में रहते हो, किसी और के घर में चले जाओ, हम किसी और के घर में जाके हम नहीं सेट हो पाते। ये तो दूसरों के जीवन को अपनाना, दूसरों के परिवार को अपनाना, दूसरे के प्रारब्ध को अपनाना, ये कितना मुश्किल। और जहां शरीर दूसरे का आ जाए वहां रोग भी दूसरे के आ सकते हैं, इसलिए परकाया प्रवेश ये आसान नहीं है। अगर कोई योगी कर सकता है तो भी नहीं करेगा, क्योंकि यह बहुत कठिन है। उस शरीर की भी माया लग सकती है, और अगर उस शरीर की माया लग गई तो वापस ये शरीर में नहीं आ सकता। यानी ये पूरा क्रिया योग है, लेकिन मच्छिंद्रनाथ ने करके दिखाया। यानी विश्व के अनेक संप्रदाय होंगे, लेकिन हमें महामुनि मच्छिंद्रनाथ के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा कि ऐसा कार्य महामुनि मच्छिंद्रनाथ ने करके दिखाया। बाकी संप्रदायों में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन महामुनि मच्छिंद्रनाथ ने यह कार्य करके दिखाया। तो जो योगी होता है, जो साधु होता है, जो सन्यासी होता है, और मैं मानता हूं जो सज्जन होता है, वह अपने शरीर को मंदिर बना लेता है दूसरों के हित के लिए। तो ऐसा शरीर जो है वो मंदिर समान है, यह शरीर मंदिर बन जाता है किसी के आत्मकल्याण के लिए। दूसरे शरीर की व्याख्या है, दूसरे शरीर की एक व्याख्या है कि शरीर क्या है, तो शरीर घर है। शरीर किसका घर है? जहां घर आ जाए वहां मैं मानूंगा शरीर मन का घर है। आत्मा का तो है, आत्मा तो निवास करता है,
लेकिन आत्मा जैसे पवित्र शब्द मैं जहां प्रयोग करूं वहां मंदिर ही हो सकता है। लेकिन शरीर घर है, कहां घर है शरीर? जहां शरीर मन के विषय में सोचा जाए वहां शरीर घर। और घर क्यों? घर में रहने वाला अपने घर के लिए ही सोचेगा, घर में रहने वाला अपने परिवार के लिए ही सोचेगा, जो घर में रहता है अपने घर की मरम्मत के लिए सोचेगा, जो घर में रहता है वो अपना घर बड़ा हो सके वैसा सोचेगा। यानी जहां अतिक्रमण, अपना घर बड़ा हो वहां दूसरों की जगह हमारे पास हो। तो घर जहां आ जाता है वहां शरीर मन के विषय में सोचा गया है, यानी एक शरीर घर भी बन सकता है। और शरीर जहां घर बने वहां मूर्ति है मन, और मूर्ति के अंदर का जो देवत है वो देवत क्या है? कामश्च देहिना, मेरी कामना, वही भगवान है। और जहां शरीर घर बनता है वहां शरीर मन अपनों के लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने लिए सोचता है, अपनी इच्छाओं के लिए सोचता है, ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के लिए सोचता है। वहां शरीर सबके लिए नहीं सोच सकता, दूसरों के लिए नहीं सोच सकता, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं सोच सकता, केवल और केवल खुद के लिए सोचता है। वहां शरीर मन का घर कहलाता है। और मन का घर इसीलिए कहलाता है कि यह मन के घर में जो माया बैठ जाए वो कभी छूटती नहीं। इसलिए जब आदमी का अंत समय आ जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि अंत समय है, अगर इसकी कोई इच्छा बाकी है तो किसी को बुला लीजिए, थोड़ी समय बाकी है। लेकिन वो शरीर, ये घर की माया जो लग जाती है, ये मन ये घर की माया छोड़ता नहीं। और घर की माया वो छोड़ता नहीं, इसलिए हम अनेक प्रयास करते हैं, सगे संबंधी को बुला के उसके सामने खड़ा कर देते हैं, उसके कान में पूछते हैं कि भाई तारी को इच्छा बाकी छे के? और जो कोई ना मलूज है पर पहला बोला ही नहीं तो कैसी बोले के मलूज? ये मरे छे त्यारे तमे पूछो छो मलूज है, ते मरे पहला बधाय मड़ी जाऊ जोए ने आवी नहीं, त्यारे तो आखी जिंदगी मां बाप नु मोड़ू नहीं जोवानु ना, त्यारे तो वाकू ना अमारे नहीं जोवू, अने मरे त्यारे आवीने उभा रहे आवी गयो मैं, मने नहीं लागे कि तमने जोवानी इच्छा होय ती समय। एने एम के छोकरा ने जोवा छे, छोकरा ने लावीने उभा करे तो भी कई बोले, हजू छूटतू नहीं। भाई पाछो कान में कह के हजू कई इच्छा छे, हवे इच्छा बोली देते होते तो तमारा आटला प्रयत्न केम करवा पड़ते? बधाने बोलाई लीधा पण हजू खबर नहीं केम छूटतू नहीं। पछी पाछो ने पूछे कई तमारी इच्छा बाकी छे? कई इच्छा बाकी हो तो बोलो, पण ए शुं बोले? भाई पाछो कई कान में कह के खावानुं इच्छा हो तो कहो एम के, तो वेंटिलेटर पर पड़ेलो माणस शुं खावानुं तमे मने कहो? આ બધું તમે છેલ્લે બોલો એના કરતા પહેલા જ ખવડાવી દેવું જોઈતું હતું ને, મારા જેવું રાખો, આ ગુરુવારે મીઠાઈ ખવડાવી દઉં જે આવે તેને, દર ગુરુવારે જલેબી, દર ગુરુવારે મોહન થાળ, કોઈ ગુરુવારે શ્રીખંડ, કોઈ ગુરુવારે માલપુડા, એ બી આવે આવતા ગુરુવારે। બધા મને કે દાદા તમે એવું કરી નાખ્યું એમ કે હવે રોટલા મિષ્ટાન થઈ ગયા એમ કે મીઠાઈ જ મીઠાઈ આવ્યા કરે। મેં કહું મેં તો જીવતા જીવત શ્રાદ્ધ કરવા બેઠેલો છું, કે કોઈના મનમાં છે એવું નહીં આવું જોઈએ દાદા અમને કઈ ખવડાવ્યું નહીં, તમને ખવડાવી પીવડાવીને હું મોકલીશ। પેલા કાનમાં બોલે કે ખાવું છે એમ કે, ખમણ બહુ ભાવતા એમ કે, પછી લાવે ને બીજા બધા જ ખાય તો એકા ખાવાનો છે તે, પછી પેલો મરી જાય ત્યારે તા એમ કે ચવાણું ખોલીને ખાય, ચવાણું એમ કે એને બહુ ભાવતું, તો એને ભાવતું હતું તો જીવતા જીવત ખવડાવી દેવું જોઈતું હતું તમારે, એના નામ પર તમે બધા ચરી ખાવ પૈતા, એમ કે એને લાડવા બહુ ભાવતા એટલે લાડવા જ બનાવવાના, તો બનાવીને ખવડાવ, એને જ ખવડાવો જોઈતા હતા તમે। હા, કોઈએ આવું પાછળથી કંઈ કરવું હોય તો મને કહેજો, હું બેઠેલો છું, ભંડારો લઈને જ બેઠેલો, તમારે જે બનાવવું હોય તો અહીંયા બની જાય। અને અહીંયા તમે કંઈ બી કરશો ને એટલું યાદ રાખજો, એ આત્માને અહીંયા આવવાની શરમ નહીં લાગે, તમારે ત્યાં તો એને શરમ લાગશે, પણ આ તો ગુરુનો દરબાર છે એટલે કિસી ભી ભેષ મેં નારાયણ મિલ જાય, ગમે ત્યાંથી આવી જાય। तो कहवा मारो अर्थ कि बाद में हम उसके कान में बोलते, कुछ इच्छा हो तो बाकी हो तो बोलो, लेकिन क्या बोलेगा? तो घर, इसकी इच्छा छूटती नहीं, मन घर के अंदर माया के अंदर बन जाता है, ये छूटेगा नहीं। और जहां ये छूटता नहीं वहां ये घर है,
यानी अपना कल्याण कर सकता है, परिवार का कल्याण कर सकता है, समाज का कल्याण कर सकता है, लेकिन वो हितायु नहीं हो पाए। और ऐसा जहां शरीर हो जाता है वो हितायु नहीं हो पाए, वहां समझ लीजिए कि अपने लिए जहां सोचता है यहां दूसरों के हित को वो समाप्त करता है, वहां हितायु नहीं अहितायु, ये शरीर अहितायु बन जाता है। अपने लिए सोचने में किसी दूसरों को नुकसान करना, जहां अपने लिए ही हम सोचते हैं वहां दूसरों का नुकसान करते हैं, तो वो शरीर अहितायु भावना से हो जाता है। इसलिए जहां मन आ जाए वहां शरीर घर है। और तीसरी शरीर की कैटेगरी है झोपड़ी, तीसरी शरीर की कैटेगरी है झोपड़ी। झोपड़ी में कौन? जीव। जीव जहां निवास कर बैठे ये झोपड़ी है, टूटी फूटी झोपड़ी। और जहां जीव भाव आ जाए, मन से भी नीचा भाव है जीव, जीव भाव जहां आ जाए वहां जीव भोक्ता बन जाता है। जीव कहीं ना कहीं विकारों में जहां चला जाए वो है जीव। हम पुनरूपी जन्मम पुनरूपी मरणम क्यों करते हैं? हम शिव थे, जीव बन के क्यों आ गए? भोग विलास, भोग विलास के कारण हमारी कैटेगरी जीव में आ गई। और इसलिए कहते हैं कि जीव जतो न थी, जीव छूटो न थी। ये जो जीव है उसे शांति नहीं है। एक शरीर की कैटेगरी है झोंपड़ी, और झोंपड़ी का अर्थ होता है जीव। झोंपड़ी में रहने वाला जीव है, और जहां झोंपड़ी शब्द आ जाता है वहां समझ लीजिए ये झोंपड़ी यानी हाड़ मांस की झोंपड़ी है। श्रृंगार शतक में भर्तृहरि ने इसे कहा है कि ये हाड़ मांस की ये झोंपड़ी है, इसमें रक्त भी है, मांस भी है, मज्जा भी है, इसमें लाड़ रस है, इसमें दुर्गंध है, ये दुर्गंध वाली झोंपड़ी है। और जहां दुर्गंध में हमने जीना सीख लिया है वो दुर्गंध में जीने वाला होता है ये जीव। और जीव क्या करेगा? जीव क्या करेगा? जो झोपड़ी में रहता है, जो खाता है, जो पीता है, विषयों में जो पड़ा रहता है, वो विषयों के आगे किसी का नहीं सोचेगा, यानी अपने परिवार का भी नहीं सोचता। जो विषयों के अधीन है, जो दारू पीता है, मांस खाता है, जो जुआ खेलता है, जो अय्याशी करता है, वो कभी परिवार का सोचता है? उसका परिवार दुखी रहता है, अपना सोचेगा। जो पगार आए उसमें पहले पीने के पैसे निकल जाएंगे, बाद में जो कुछ पछे बचे उसमें परिवार हो सकता है। तो जो भोग विलासी जो होता है वो होता है जीव। जीव भाव भोग विलास का भाव। और जिसने भोग विलास करना चालू कर दिया है वो अपना सोचेगा, बच्चों का भी नहीं, परिवार का भी नहीं, तो समाज बहुत दूर रह गया। तो ऐसा जहां सोच आ जाए वहां उसे कहते हैं दुख। क्या मैंने लिखा है कि सुखायु दुखायु, घर हो तो सुखायु है, लेकिन जहां झोंपड़ी आ जाए वहां समझ लीजिए दुखायु। वहां केवल दुख और दुख है। जो आप भोगते हो वही रोग का कारण बन जाता है, जो व्यसन आप पीते हो वही रोग का कारण हो जाता है। इसलिए जिसने इस शरीर को जिसने इस शरीर को झोंपड़ी समझा है, समझ लीजिए ये जीव भाव है। जो जीव भाव में जीने वाला ये शरीर को झोंपड़ी बना देगा, झोंपड़ी टिकती नहीं। प्रकृति की जहां मार पड़ती है, जहां बारिश आ जाती है, जहां पवन आ जाता है, वहां टूट फूट जाती है। जीव भाव में जीने वाला परिस्थितियों में टूट फूट जाता है, शरीर से रोगिष्ट हो जाता है, यातनाओं से वो भर जाता है, और अपना जीवन इसी विषय भोग में वो बाद में समाप्त कर देता है। वहां वो दुखायु है, उसे लगता है वो भोग विलास करे तब उसे लगता है कि मैं सुखी हूं, ये सुखायु नहीं ये दुखायु। तो ये हमारे शरीर की हमने कैटेगरी बनाई है। अगर आपका शरीर जीव भाव में है तो समझ लीजिए ये झोपड़ी रहेगा, विकारों में पड़ा रहेगा, दुखायु में पड़ा रहेगा।
आयु तो है लेकिन दुख में चली जाएगी। अगर आपका शरीर घर है, सुखायु होगा एक समय तक, लेकिन हितायु नहीं हो पाए। लेकिन आपने आपका शरीर मंदिर बनाया है आत्मभाव के लिए, किसी के कल्याण के लिए, तो समझ लीजिए ये हितायु हो जाएगा, ये मंदिर बन जाएगा। इसलिए शरीर के साथ आयुष्य मिलता है। ये शरीर तीन रास्ते के ऊपर, मैंने बताए अलग अलग रास्ते के ऊपर जाके अलग अलग वो बन जाता है, लेकिन एक आयु है और दूसरा है स्वास्थ्य तंदुरुस्ती। और स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? रोग निवारिणी, सर्व रोग जो निवार दे वो होता है स्वास्थ्य। यानी वर्ष मिल जाते हैं, उसको अगर आयु में पलटना है, उसको अगर मंदिर बनाना है शरीर को, तो बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त हो। और वो स्वास्थ्य हमारे शरीर को जब मिले तो समझ लीजिए कि रोग का निवारण हो जाता है। यानी स्वास्थ्य जहां आए वहां रोग चले जाते हैं, सर्व रोग निवारण। अभी हमने आगे भी मैंने बताया था रोगों के बारे में, कि हमने एक ही सोचा है रोग का अर्थ क्या है, हमने एक ही सोचा है रोग, यानी रोग यानी जो तन के रोग है वो, ये तो है ही, तन के रोग सबको होते हैं। हमारा जो शरीर बना है उसमें कुछ अगर विटामिन की कमी हो जाए, कुछ पदार्थ की कमी हो जाए, उसकी वजह से अभाव में जो होता है वो रोग बनता है, वो दवा से ठीक हो सकता है। तो एक रोग होता है तन रोगी, जहां शरीर रोगग्रस्त हो जाए वो तन रोगी। शरीर में खून कम पड़ जाए, शरीर में विटामिन कम पड़ जाए, शरीर में क्षार कम पड़ जाए, शरीर में प्रोटीन कम पड़ जाए, वो जो होता है उसे कहते हैं तन रोग। तन रोग दवा से ठीक हो सकता है, या तन रोग के लिए सबसे बड़ा औषध है भोजन। आप जो खाओ उसमें से जो बनता है और उसमें जो शरीर को मिल जाए उसमें से तन रोग की मुक्ति हो सकती है। एक होता है तन रोगी, दूसरा होता है, हमें होता है, सबको होता है मन रोग, मन का रोग। यानी शरीर भले अच्छा रहे लेकिन मन से हम बिगड़ जाए, हमारा मन ठिकाने पे न रहे, हमारा मन बिगड़ जाए। मन किससे बिगड़ता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन सभी, ये सभी भावनाएं जब हमारे मन में आए तो हमारा मन बिगड़ जाता है। रावण को देखिए, सामर्थ्यवान था लेकिन काम हो गया, सीता को देख के हुए उसके भीतर में काम पैदा हुआ तो मन बिगड़ गया। मन बिगड़ गया बाद में क्या हुआ? तन ठीक था, मन बिगड़ा। मन बिगड़ा तो क्या हो गया? मन बिगड़ा तो जीवन खराब रास्ते पे चला गया और उसी के कारण उसे भवरोग हो गया। भवरोग यानी पुनः पुनः जन्म लेना, उसे कहते हैं भवरोग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इससे अगर मन बिगड़ जाए तो हम ऐसा कुछ काम कर देते हैं जो अगले जन्म में वापस हमें जन्म लेने के लिए हमें मजबूर करता है। हमारी वासना अगले जन्म के लिए कारणभूत हो जाती है, तो वो हो जाता है बहुरोग। यानी मन जहां बिगड़ जाता है वहां मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बहुरोग के अंदर बदल जाए। यानी तीसरा होता है बहुरोग। हम सबको ये तीन प्रकार के रोग हुए हैं। जन्म लेने से शरीर मिलता है तो स्वाभाविक है कि तन के रोग तो होंगे होंगे। और इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा कि युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा कर्मेशु, कि अगर आपके पास योग्य आहार है और योग्य विहार है तो ये तन के रोग नहीं होंगे। तन के रोग होते हैं अयोग्य आहार और विहार से। जो नहीं चाहे वैसा खा लेना, नहीं चाहे वैसा पी लेना, नहीं चाहे वैसी संगत करना, तो उससे हो जाता है तन रोग। ये भगवान ने गीता में बताया है। और भगवान ने गीता में सब कुछ बताया है कि कैसा आहार करना चाहिए। तो गीता में तन रोग के लिए भी कहा गया कि अयोग्य आहार और विहार से जो शरीर में तकलीफ हो तन रोग। हम कोई आहार खाए
और विपरीत आहार खाने के बाद जो हो जाए वो तन रोग। तो तन रोग जो होता है वो दवा से ठीक हो जाता है, मन रोग जो होता है वो गुरु के प्रवचनों से ठीक हो सकता है। यानी तन रोग दवा से ठीक हो, मन रोग गुरु के बोध से ठीक हो, और भवरोग मेरा ऐसा मानना है गुरु की कृपा से ठीक हो। पुनरूपी जन्मम पुनरूपी मरणम, मन रोग हमें सबको होता है, जितने परिवार है जितने संसार है सब मन रोगी है, कोई ना कोई इसमें से ये मन कहीं ना कहीं विचलित हुआ है। किसी को लोभ लग गया है तो पैसे के पीछे भागता है, ये मन रोग। किसी के प्रति क्रोध है और वो क्रोध के कारण अंदर अंदर जल रहा है, ये मन रोग। किसी को किसी के प्रति द्वेष है, उसकी अच्छा प्रतिष्ठा वो देख नहीं सकता, मन रोग। किसी का मन किसी में आ गया है, इसके बिना वो रह नहीं सकता, मन रोग। मन रोग भी हम सबको है, तो मन रोग का निराकरण हो सकता है बोध से। बोध कान में गिरे तो हम समझ सकते हैं ये करना है ये नहीं करना। तो मन रोग भी हम सबको है, तन रोग हर एक कोई को होता है, और मैं तो ये तो मानता हूं किसी को हो पता नहीं चलता, बाद में जब वो रोग बढ़ जाए तो बाद में पता चल जाता है। यानी रोग सबको होते हैं, तन रोग भी होता है मन रोग भी होता है, और सबसे बड़ा रोग है बहु रोग, जो हम सबको बरसों से है, कई जन्मों से है, इसको कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि ये जन्म जो हमने लिया है बहु रोग, कुछ ऐसा किया है, किसी चीज में वासना है, ये भुगतने के लिए हम इस भव में आए। आज जो कर रहे हैं वो अगले भव के लिए कारणभूत हो जाए, इसे कहा जाता है भव रोग। तो ये तीन रोग है, लेकिन भव रोग सुधरता है गुरु की कृपा से, और इसलिए कहा गया है मानस बजले गुरु शरणम दुस्तर भव सागर तरणम, कि भव रोग की दवा क्या है, गुरु मंत्र का जाप। कि हर रोज आप गुरु मंत्र के जाप को रटो, मानस बजले गुरु शरणम दस्तुर भव सागर शरणम, कि गुरु के सानिध्य में आ गए तो हो सकता है एक भव दो भव चार भव के बाद ये भव हमारा सुधरेगा। तो इसे कहते हैं सर्व रोग निवारिणी, ये तीन प्रकार के रोग कोई अगर निवार सकता है तो ये मां भगवती की कृपा है, जिससे हम उसमें से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये जो हमें शरीर मिला है ये मंदिर बनने के लिए शरीर मिला है, देह देवालयो देवी, लेकिन ये मंदिर कब कहलाएगा, कि जब हम हितायु बनेंगे, हमारे आत्म कल्याण के साथ दूसरों के आत्म कल्याण का सोचेंगे, और जब जब जरूरत पड़ी इस शरीर को संभालने की तो योग्य आहार लेंगे, योग्य विहार करेंगे, समय आए तो दवा भी लेंगे, जरूरत पड़ी तो दुआ भी करेंगे, और उससे भी ठीक नहीं हुआ तो जिसे हम मानते हैं उसकी शरण में जाके आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद लेंगे, तो ये सभी रोगों से हम मुक्त हो पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यकता है यह शरीर को योग्य रूप में रखने की। कोई सोचे कि मैं दवा न लूं, ये नहीं चलेगी, दवा तन रोग के लिए लेनी पड़ेगी। दादा के जीवन धर्म को पढ़िए, उसमें 17वां अध्याय है शायद 18-17वां, प्रारब्ध कर्म का भोग। उसमें गुरुदेव को भी शरीर के रोग हुए थे, और ये जो शरीर के रोग हुए थे उसमें से ठीक होने के लिए उन्होंने भी अस्पताल से दवा ली, अस्पताल में एडमिट हुए, जो ट्रीटमेंट थी वो सब की। गुरुदेव चाहते, जरूरत नहीं थी इसकी, फिर भी उन्होंने ली। क्यों ली, कि ये जो तन मिला है और तन में जो तकलीफ हुई है उसके लिए जरूरत है कि दवा लेना, ली। जो योग्य आहार लेना वो भी लिया, यानी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि हमने गुरु कृपा प्राप्त कर ली, हमने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, हम भगवान का भजन करते हैं तो दवा क्यों ले। ये जो दवा यानी जो औषध बनाया है ये भी भगवान ने ही बनाया है, तो औषध भी लेना जरूरी है। भोजन करना भी, भोजन भी औषध है, भोजन करना भी जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं बस इनका हमें तो इनका उपवास करिए, कहीं खाइए ज नहीं, पछी बस मन थी नक्की करो लोग खावा नहीं, तो खावा तो मैं जीव हो कही रही थी,
તમે ખાહો નહીં ભજન કરો કઈ રીતે, તમે ખાશો નહીં તમારા ઘરનું કામ કરશો કઈ રીતે? ના, એમ કે અમે તો નક્કી કરેલું કશું ખાવાનું, જો તમે નહીં ખાવો હોય તો ન ખાઓ, પણ હું નહીં ખાવાનું, જે તમને બહુ ભાવે તે નહીં ખાવાનું. નહીં, હું તો એમ કે ખાવાનું બંધ કરું, ખાલી ચા જ પીવું, ચા બહુ ભાવે એટલે ચા પીએ, જે ભાવે તે છોડી દો, બસ ચા જ પીવું, બીજું કંઈ ખાવા જ નહીં. તમને જે ભાવે તે છોડી દો, જેમાં વાસના છે એ છોડી દો તો બરાબર છે. હોટલમાં ખાવાનું છોડી દો, કંઈ એમ કે ખાઈએ જ નહીં, એમ કે આ તો બધા ગયેલા હતા એટલે હોટલમાં ખાઈ લીધું, તો આ આડંબર હાના સારું કરો. એના કરતાં ઘરે બૈરી બનાવે છે પ્રેમથી ખાવો ને, એને બી સારું લાગે ના. અમે એમ કે બધું છોડી દીધું. અગર આપકો આહાર છોડના હિ હૈ તો બજાર કા આહાર છોડ દીજિયે. ઘર કા સાત્વિક આહાર યુક્ત આહાર લે સકતા હૈ, યુક્ત વિહાર. મંદિરો મેં જાઈએ, સત્સંગ મેં જાઈએ, સત્સંગ મેં જો પ્રસાદ હૈ ઉસે ખાઈએ, યે હોતા હૈ યુક્ત આહાર, સાત્વિક આહાર. હું ઘણા એવા જોયા એમ બધે પહેલાં ફરતા હોય, પણ આશ્રમમાં નહીં, અમે કંઈ લેતા જ નથી. જ્યાં લેવું જોઈએ તો તમે લેતા નથી, અને જ્યાં નથી લેવા જોવું ત્યાં ખરીદીને લેવું છો. એનો અર્થ શું? મારો તો દરેકને ખાસ કહેવું કે તમે કોઈ પણ ધાર્મિક સંસ્થામાં જાઓ અને ત્યાં જો ભંડારો હોય તો પ્રસાદ અવશ્ય લેવો, ચૂકવો નહીં, પ્રસાદ લેજો જ. હા, પછી બહાર હોટલ હોય તો અહીંયાથી ગઈને પાછું ત્યાં ખાજો, એને વાંધો નથી. પણ ભંડારામાં તમે જાઓ તો આ ભંડારાનું જે ભોજન છે એ સાત્વિક ભોજન છે, આ યજ્ઞનું ભોજન છે, એ અવશ્ય લેવું. એ ઔષધ નથી, હું માનું છું અમૃત છે. અહીંયા જો શ્રીખંડ બનાવ્યું હોય અને કોઈને ડાયાબિટીસ હોય તો એમ કે નહીં શ્રીખંડ નહીં ખાવાનું, ડાયાબિટીસ છે, ત્યાં મારી ગેરંટી છે, શ્રદ્ધાથી ખાઈ લઉં અને સુગર કરાવો, નહીં આવે તમને સુગર. પાછું એમ કે અહીંયા એમ કે સુગર છે એટલે નહીં, પણ ઘરે પાછું લગ્નમાં ગઈને બે વાળકા ખાઈ લે. કેમ, તમે લગ્નમાં તો ખાઈ લીધું, બીજું બધું નહીં ખાધું ને, ખાલી આ જ ખાધું એમ, તો અહીંયા ખાવામાં તમને શું વાંધો પડતો હતો? જો બધી જગ્યાએ બરાબર રહો, વાત એક જ પ્રકારની કરવાની. તો મેરા કહેને કા ભાવ અર્થ હૈ, હોટલ કા ખાના છોડીએ, વ્યસન છોડીએ, સાત્વિક જો ભોજન હૈ ઉસકો અપનાઈએ. યે ઔષધ ભોજન પરમાત્માને બનાયા હૈ, ભોજન ખાયેંગે શરીર કો સબ પ્રાપ્ત હોગા, ઔષધ લેંગે શરીર તંદુરસ્ત હોગા, ઓર અધ્યયન કરેંગે સેવા યોગ કરેંગે તો આયુષ્ય બઢેગા. યે શરીર કે લિયે શરીર મંદિર બનના જરૂરી હૈ, અગર મંદિર બનાના હૈ તો હમે યે સબ કરના પડેગા, ઓર સાથ સાથ હમારા ભક્તિભાવ ભી હમે ચાલુ રખના હૈ. લેકિન એક હૈ કે યે શરીર ઝૂંપડી બનને કે લિયે નહીં બના, યે શરીર મંદિર બનને કે લિયે બના. એક બાર ગુરુ નાનક બગદાદ મેં ગયે, ઓર ગુરુ નાનક જબ બગદાદ મેં ઘૂમે તો વહાં કી પ્રજા સે મિલે, તો વહાં કી પ્રજા બહોત દુખી થી. વહાં કી પ્રજાને કહા કે હમ બહોત દુખી હૈ, ક્યું કે હમારા રાજા જો હૈ વો બહોત કર લેતા હૈ, બહોત ટેક્સ લેતા હૈ, ઘર કે ઉપર ટેક્સ, ખાને કે ઉપર ટેક્સ, વ્યાપાર કે ઉપર ટેક્સ, જો ભી સબ ચીજ હૈ ઉન સબ કે ઉપર ઇતના ટેક્સ લેતા હૈ, ઉસે સંપત્તિ કા બહોત મોહ હૈ, બહોત ટેક્સ લેતા હૈ, ક્યા કરે. ગુરુ નાનક ને સોચા મુજે કુછ કરના ચાહીએ. ગુરુ નાનક બગદાદ મેં ગયે, ગુરુ નાનક રાજા કે મહેલ કે સામને ખડે રહે. રાજા કો પતા ચલા કે ગુરુ નાનક મિલને કે લિયે આયે હૈ, વો બાદશાહ થા, ઉસે પતા ચલા કે ગુરુ નાનક મિલને કે લિયે આયે હૈ, તો ઉસને કહેવાયા કે આપ વહાં હી રહે, મેં આપકો મિલને કે લિયે આતા હું. ગુરુ નાનક બરાબર રાજા કે મહેલ કે બહાર ખડે રહે. ગુરુ નાનક વહાં ખડે રહે, વહાં પથ્થર કંકણ યે સબ લેકે વો બેઠ ગયે. રાજા ને કહા મેં મિલને કે લિયે આતા હું, ગુરુ નાનક પથ્થર કંકણ લેકે વહાં બેઠે. રાજા આયે કે આઈએ મહારાજ, આપ હમારે યહાં પધારે હૈ, મેં આપકો મહેલ મેં લે જાને કે લિયે આયા હું, આઈએ. તો ગુરુ નાનક ને કહા નહીં, મેં તો યહીં બેઠુંગા, ક્યું, ક્યુંકિ યે જો મેને પથ્થર કંકણ ઇકઠ્ઠા કિયે હૈ ઓર મુજે બહોત ઇસે ઇકઠ્ઠા કરના હૈ. તો રાજા સોચને લગા ઇસે ક્યુ આપ ઇકઠ્ઠા કરતે હો, મેં આપકો અંદર લે જાને કે લિયે આયા હું, આપ બહાર બેઠે હો, આપ કહેતે હો કે મેં તો યહાં આયા હું યે પથ્થર ઓર કંકણ ઇકઠ્ઠા કરને કે લિયે, ક્યા જરૂરત હૈ ઇસકી. તો ગુરુ નાનક ને કહા
ये मैं इसीलिए इकट्ठा करने के लिए आया हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा उसे इकट्ठा करना है, और इसीलिए इकट्ठा करना है कि जब मैं मर जाऊं और ऊपर जाऊं तो भगवान को जाके ये मैं कंकन दूंगा कि ये मैं बगदाद से लाया। तो राजा हंसने लगा। राजा ने कहा कि महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो समझा था आप बहुत ज्ञानी हैं, अब पता चला कि आप में बिल्कुल ज्ञान नहीं। क्यों? कि आप ये जो ले जाने वाले हैं और आप कहते हैं मरने के बाद मैं जब ऊपर जाऊं तब ये ले जाऊंगा, तो मरने के बाद पत्थर की तो क्या बात करते हैं, सुई और धागा भी कोई ऊपर नहीं ले जाता, तो ये पत्थर कहां से आपके साथ आए? गुरु नानक ने कहा पत्थर मेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर पत्थर और सुई धागा भी वहां नहीं आ सकता तो इतना रुपया तू टैक्स से ले रहा है तो तू जब ऊपर जाएगा तो ये सब तेरे साथ आएगा वहां तक। राजा की आंखें खुल गई कि आएगा, ये जितना पैसा तूने टैक्स से अपने पास रखा है अगर ये नहीं जा सकता तो वो कैसे वहां जाएगा, तो किसी लिए ये सब ये कर रहा। राजा की आंखें खुली और राजा ने गुरु नानक के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मेरी गलती हो गई, आपने मेरी आंखें खोली, ये नहीं जा सकता तो ये सब कैसे जाए? तो ये मैं यही कहता हूं, ये शरीर जब छोड़ के तुम वहां जाओगे ये सब नहीं आने वाला, यानी ये शरीर मंदिर है, इसका सदुपयोग कर और जो तू संग्रह कर रहा है वो लोगों के बीच में बांट दे। तेरा शरीर देवालय बन गया तो तेरे साथ जो आएगा वो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगा, ये सब नहीं आएगा, ये यहीं रहेगा। ये सीख जब बगदाद के राजा को मिली तो राजा ने टैक्स जो लगाया था वो धीरे धीरे सब माफ कर दिया। तो आप देखिए कि हम घर और झोपड़ी बना के इस शरीर को बैठे हैं, हमें मंदिर बनाना है और मंदिर बनाते हुए आत्मा में परमात्मा को देखते हुए हितायु बनना है, दूसरों के कल्याण के लिए ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त करना है। और शरीर को मंदिर बनाने के लिए जब तंदुरुस्त करे तो भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, औषध की भी जरूरत पड़ेगी, और मेरा मानना है साधना भक्ति भाव की भी जरूरत पड़ेगी। तो भोजन भजन और औषध यम नियम आसन प्राणायाम से ये शरीर को तंदुरुस्त रखे और तंदुरुस्त रखते हुए यही शरीर को मंदिर बनाए और दूसरों के लिए हितायु बने, तब जाके मृत्योमा मोक्ष गमय, हम मोक्ष की ओर गति कर जाएंगे। तो माँ भगवती आयुर्देही श्रीयम देही सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली आरोग्य लक्ष्मी और वो हमें मिली है, तो हमें भी ये शरीर को मंदिर बनाना है। तो आइए दो हाथ जोड़ के गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती आरोग्य लक्ष्मी है तो हम आपको धन्वंतरी देवता के रूप में देखते हैं, आप धन्वंतरी हो, माँ ने आरोग्य दिया है तो हम ऐसे मानते हैं कि आपने हमें आयुष्य दिया है, माँ भगवती ने हमें स्वास्थ्य दिया है तो हम मानते हैं कि आपने हमें जीवन में ज्ञान दिया है, तन रोग मन रोग और भव रोग से हमें मुक्त करिए और सदा हमारे जीवन में माँ भगवती के रूप में आप निवास करें, ऐसी प्रार्थना आपके चरणों में 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम करते हैं। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च
अडबंग कानीफ मच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भरतोरी सज्ञा भूम्यांब बूर्ण नवनाथ सिद्ध जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ सननाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय। આજનો ભંડારો એમિસભાઈ પ્રવીણભાઈ પટેલ પૂણા કુંભારીયા પૂણા સુરત તરફથી છે। આજના ભંડારામાં ઊંધિયું પૂરી કઢી ભાત જલેબી અને અથાણું છે। તો આજનો ભંડારો એમિસભાઈના પરિવાર તરફથી છે, તો એમના માટે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું, મા ભગવતીની કૃપા રહે, આરોગ્ય તંદુરસ્ત રહે અને વર્ષો વર્ષ આવી જ રીતે સેવા કાર્યમાં એમનો પરિવાર જોડાયેલો રહે એવી મા ભગવતીને પ્રાર્થના કરું છું। સાથે સાથે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ વિતરણ કરવા માટે જ્યાં જ્યાં એવા અંદરના ગામો છે ત્યાંથી અહીંયાથી શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ રથ એ ત્યાં સુધી આવે છે। કોઈના લવાજમ બાકી હોય તો ત્યાં પણ તમે આપી શકો અને જે તમારા પેપર હોય તો ત્યાંથી તમે લઈ શકો। આ માધ્યમથી જોડાવાની જરૂર, કારણ કે જોડાશે તો એક સારું સાહિત્ય તમારા ઘરમાં આધ્યાત્મિક સાહિત્ય આવશે અને એને વાંચશો તો મનની તંદુરસ્તી તમારી યોગ્ય રહેશે। માટે જરૂરી છે કે જે પણ લવાજમ હોય તે તમે યોગ્ય રૂપમાં ભરતા રહો। ટૂંક સમયમાં 1 માર્ચે શિવરાત્રિ આવશે, પણ શિવરાત્રિનો કાર્યક્રમ કઈ રીતે કરવો તે SOPને આપણે ધ્યાનમાં રાખીને આપણે નક્કી કરશું, કારણ કે હજુ પણ કોરોનાનો પ્રભાવ ચાલે છે અને નવા નવા વેરિયન્ટ આવે છે। પણ છતાં 1 અઠવાડિયામાં જોઈએ કે કઈ રીતે ફેરફાર થાય એ પ્રમાણે શિવરાત્રિ ઉજવશું। પણ એક વસ્તુ નિશ્ચિત છે કે જે રીતે ઉજવાય તે રીતે શિવરાત્રિ ગુરુદરબારમાં ઉજવાશે અને જે પ્રમાણે નક્કી કરવું એ પ્રમાણે તમે અહીંયા નર્મદેશ્વર મહાદેવના શિવલિંગના દર્શન માટે તમે આવી શકશો। તો હવે આગળ જતાં આપણે શિવરાત્રિના કાર્યક્રમને નક્કી કરશું। તો આજ કે ગુરુવાર પર બસ ઇતના હિ, હમે આરોગ્ય દે, હમે આયુષ્ય દે ઓર હમારી મનોકામનાઓ કો મા ભગવતી પૂર્ણ કરે। દેહ દેવાલયો દેવી, હમારા દેહ મંદિર સમાન બને એસી પ્રાર્થના माँ भगवती के चरणों में करते हैं। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।